अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें आज ज्वाइन किया है डॉक्टर विक्रम सिंह साहब ने, जो कि एक्स डीजी यूपी पुलिस भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। मेहरबानी, वालेकुम सलाम, नमस्कार, जय हिंद, हुकुम दे। और सर आपसे आज रिक्वेस्ट है, आपसे आज हम समझना चाहेंगे कि आप जानते ही होंगे कि कल कराची में पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया गया है और उसमें तीन टेरर्स जो थे वो तो मार दिए गए हैं। बताया यही जा रहा है कि दो जो थे वो नॉर्थ वजीरिस्तान से थे, एक लकी मरवत इलाका जो है वहां का बताया जा रहा है, भारत केपी के ही बनता है। आपको क्या लगता है कि इस किस्म के अटैक्स जो है वो भी पुलिस हेडक्वार्टर पे होना जो है कितना खतरनाक है ये, और ये कि क्या ये टीटीपी ने वैसे कहा है कि टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन कहां पर इनसे पुलिस वालों से गलती हुई कि वो अंदर पहुंच गए, सुसाइड जैकेट्स पहनी हुई थी और कहा ये जा रहा है कि एक ने तो अपने आप को जो है वो उड़ा भी दिया उसने, एक सुसाइड बॉम्बर ने। तो ये कहीं ना कहीं लगता है आपको कि जो पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर लोग थे यानी जो ड्यूटी पर थे उनसे कोई गलती हुई है? आरजू साहिबा, इसके आपके सवाल के एक जवाब नहीं, इसके कई जवाब हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत मुख्तसर तरीके से जो अलग अलग इसके डायमेंशन है उस पर मैं आपके साथ इस पर चर्चा करूं। सबसे पहले ये देख लीजिए, दहशतगर्द, अगर कोई दहशतगर्द सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में अगर किसी ने पुलिस थाने या वर्दी वाले पर अगर हमला किया, ये मान के चलिए वो अपने सर पे कफन बांध के चल रहा है और अपनी मौत के वारंट पे खुद दस्तखत बना रहा है। आपने खुद फरमाया कि इस हमले के बाद तीन गिरफ्तार हो चुके हैं दहशतगर्द और पुलिस तीन मारे जा चुके हैं सर, तीन मारे जा चुके हैं और यकीनन वो भी तैयार थे कि वो उनकी मौत को दस्तक उन्होंने खुद दी है और अभी और भी मारे जाएंगे। मुझे इसमें कम से कम कोई शको शुबा नहीं है, चाहे वो हमारे कानपुर का विकास दुबे हो जिसने 8 पुलिसकर्मी को शहीद किया था, और यहाँ पे पाकिस्तान में अगर इन्होंने ये हिमाकत की, ये मान के चलिए कि रॉन्ग नंबर डायल किया। लेकिन पुलिस के इंतजामिया में ये होता है कि हम पुलिस अफसरों और ये मुलाजिम में ये एक बड़ी गलत फहमी होती है कि हम हमारे ऊपर ये हमारे थाने हमारे दफ्तर में कोई हमला नहीं होगा, और वक्त के साथ हमारे एडवाइजरीज आती हैं, खतरे से आगाह किया जाता है और फिर हम लोग हर चीज को नॉर्मल लेने लगते हैं और उसी नॉर्मलसी को देखने वाले जैसे मैन ईटिंग टाइगर होता है अपने शिकार को 9-10 बार देखने के बाद उस पर हमला करता है, दहशतगर्द भी उसी तरीके से जहां पर हमला करता है उसको अच्छी तरीके से बारीकी से उसका मुआयना करता है, देखता है, सर्विलेंस करता है, और जब कभी लंच आवर होता है या दफ्तर छूटने का वक्त होता है या ऐसे मौके पर जब पुलिस अफसरान शायद थोड़ा थके हुए हो उस वक्त ये हमला करता है। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए ये जरूरी है कि ये कहा जाता है कि दरवीश और पुलिस अफसर ये जब सोते भी हैं तो एक आंख खोल करके सोए, दोनों आंख बंद करके सोने की जहमत ना करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जो होती है उसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है, जैसा कि कराची पुलिस हेडक्वार्टर्स में जरूरत पड़ी तो अपने इंतजाम, सीसीटीवी और वो चीजें। आपने तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम लिया, उसके बारे में तस्करा हम लोग एक दो बार कर चुके हैं, ये वो एक अमला है, ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन जिससे बहुत सबको अलर्ट रहने की जरूरत है, न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि हिंदुस्तान को भी, अफगानिस्तान को भी, क्योंकि ये एक होती है एतबार, एतबार बनाने में जिंदगी बीत जाती और तोड़ने में इस तरीके की एक उन्होंने वारदात कर दी। एतबार तो वैसे पहले भी बहुत ज्यादा नहीं था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन ये जो उन्होंने हरकत कर दी, ये इन्होंने दावतनामा दे दिया कि उन्होंने बिल्कुल खुले आम ये चैलेंज कर दिया है पाकिस्तान की अथॉरिटी को, पाकिस्तान की पुलिस को, कराची पुलिस को कि हम दहशतगर्द हैं। तो ठीक है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान अगर दहशतगर्द हैं और उन्होंने पाकिस्तान की पुलिस हेडक्वार्टर्स कराची पे अगर हमला किया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि हम दोनों की संघ बुनियाद बिल्कुल एक जैसी हैं। 1861 में हमारा आईन बना था, उसी के संघ बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की पेनल कोड है, हमारी पेनल कोड है, और जो तौर तरीके हैं वो एक तरीके से वैसे हैं। तो मैंने पहले गुजारिश की थी कि अगर खुदकशी का जज्बा है तो बात अलग है, वरना जो भी आदमी जिसका दिमाग बिल्कुल दुरुस्त है वो थाने वर्दी और पुलिस अफसर की तरफ देखेगा भी नहीं, और वो देखेगा तो उसके नतीजात होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन ये भी बताया गया है कि उनकी उम्रें जो थी वो 22 साल और 20-22 साल के अंदर थी। बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो इस किस्म के अटैक्स करते हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उम्रें इनकी बहुत कम होती हैं। ये 25 से आगे के नहीं होते, 24 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, 20 साल के होंगे। उसकी क्या वजह है? और दूसरा सर, इनके लिए ये भी बताया गया कि ये लोग असला तो खैर लाए थे, हैंड ग्रेनेड वगैरह थे इनके पास, इसके अलावा खाने पीने का सामान भी था, तो लग यही रहा है कि काफी दिन उनका इरादा था रहने का। मोबाइल्स मिले, लेकिन मोबाइल अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि वो किसके साथ बात कर रहे थे। ये तमाम तजुर्बात है, जो एक्सपीरियंसेस है, जो इनकी ट्रेनिंग है, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं कि जो कि आप हम कई बार इस पे चर्चा नहीं किए। हम लोगों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं, इनकी नर्सरीज कहाँ है? इनकी नर्सरीज यही है हमारे मदरसों में। जो मदरसे हैं उनमें बहुत बचपन से ही इस तरीके के बहुत छोटे बच्चों को, आपको जान के ताज्जुब होगा, 4 साल के आसपास इन बच्चों को मदरसों में दाखिला हो जाता है और वहां पर मौलवी जो इनको सिखलाते हैं दुनिया की शक्ल, चाहे कितनी ही अनसाइंटिफिक क्यों ना हो, चाहे वो उसके बाद मौत के बाद, जिसको कहते हैं कि गाजी जब शहीद होता है, हलाक होता है, तो ऊपर उसके लिए तमाम तोहफे रहते हैं, जिसके बारे में तस्करा हम ना करें तो बेहतर होगा। उन तोहफों के बारे में ऐसे सब्ज बात दिखाते हैं हमारे मौलाना और मौलवी, जिससे बच्चों की जो जहन है वो एक वन ट्रैक माइंड एक उनका बन जाता है। वो सोचते हैं कि यहां तो एक हाथ में लड्डू है ही है, और अगर कहीं मर गए तो ऊपर भी हमारे लिए ऐसे बेशकीमती और ऐसे उमदा तोहफे हैं जिसकी हम सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके की अगर जहनियत हम पैदा कर देंगे, एक बच्चा मदरसे में आया है गालिबन 4-5 साल में, आपने फरमाया कि औसत उम्र उनकी करीब 22 साल होती है, तो 15 साल में तो बिल्कुल बच्चा तैयार हो जाएगा सुसाइड बॉम्बर, और उसके जहन, जिसको कहते हैं कि ब्रेन वेपनाइजिंग द ब्रेन, यानी उसके ब्रेन को, उसके जहन को एक हथियार के तरीके से मौलाना ने तैयार कर दिया 15 साल। और इसकी तैयारी बहुत पहले से हुई थी, जब अफगानिस्तान के लिए ये मुजाहिदीन तैयार किए गए थे, जब अफगानिस्तान के लिए मुजाहिदीन तैयार किए थे, तो एक नर्सरी तैयार करने का एक तौर तरीका मालूम पड़ गया और उसको अमली जामा तब पहनाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो अमली जामा उतारा नहीं गया। अब अफगानिस्तान में USSR नहीं है, अमेरिका नहीं है, अब बचा कौन? अब बचा खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना। तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो पूरी पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को चुनौती दे रहा है, और वो सबसे के लिए खतरा है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, वो सबके लिए खतरा है। आज अफगानिस्तान भले ही कह दे कि तालिबान अफगानिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक हैं और एक दूसरे के बड़े हमदर्द हैं, आप देख लीजिएगा कि वक्त आते जब तालिबान अफगानिस्तान में कोई ऐसी एकता नहीं है तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ वो कैसी एकता की बात करते हैं। और इसलिए इनको जो आपने सुसाइड बॉम्बर्स तैयार किए, जिनके जहन को, जिनके ब्रेन को वेपनाइज किया गया, वो आज नहीं तो कल वो सबके लिए खतरे की घंटी है। और ये फिक्र सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, बड़े बड़े थिंक टैंक इस बात को सुन रहे हैं कि अगर किसी तरीके की लाकानूनियत अगर ऐसी हुई और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स और पाकिस्तान के जो बहुत फ्यूचरिस्टिक थर्ड जनरेशन हथियार हैं वो अगर इनके हाथ में आ गए तब क्या होगा? आपने बिल्कुल सही कहा, इनके बुलेट प्रूफ जैकेट्स, इनके असलहा, इनकी तैयारी, इनका स्केल ऑफ एम्यूनिशन, एक औसत सिपाही रात को गश्त में जाता है तो उसको 20 कारतूस दिए जाते हैं। अगर ये 1-1 हजार कारतूस लेके चल रहे थे तो आखिर उसका मकसद क्या था? आपने बिल्कुल बजा फरमाया, नतीजा बिल्कुल और निष्कर्ष और कंक्लूजन यही है, ये बड़ी लंबी लड़ाई के लिए और लंबी तैयारी के लिए आए थे। बिल्कुल सही, लेकिन सर आपने ये भी सही कहा कि पुलिस वाले जो हैं वो ये नहीं सोचते कि उनके ऊपर भी कोई अटैक हो सकता है या पुलिस हेडक्वार्टर पे इस तरह से कोई आ सकता है। मगर सर इस चीज को आप क्या बढ़ता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में? आपको लग रहा है कि आगे इस किस्म के अटैक्स मजीद बढ़ेंगे कि ये लोग KPK में, पहले हम सुना करते थे और न्यूज आया करती थी कि KPK में इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन अब ये कराची तक पहुंच गए हैं, अब ये दूसरी बड़ी सिटीज चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर, वहां तक भी बात की जा रही है कि शायद अब इस किस्म के हादसे वहां पर भी होने का इम्कान है। इसको सर आपको लग रहा है कि वाकई में ऐसे बढ़ेंगे? और दूसरा, इसको रोकने का क्या तरीका है? क्या कोई ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि इस नुकसान से बचा जा सके? बिल्कुल आजू साहिबा, इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए इसके बारे में फिक्रमंद है। और आपका ये कहना और आपका फिक्रमंद होना कि क्या ये हमले और होंगे,
इतनी तैयारी के बाद आना, ये कम से कम एक कंक्लूजन तो हमारा है कि ये पूरी तैयारी से थे। इनका रिहर्सल, इनकी प्रैक्टिस, इनकी सर्विलेंस एक दूसरे ही लेवल की थी। और ये सोचना कि पहला और आखिरी ये तजुर्बा होगा, बिल्कुल नहीं, ये और ऐसे हम लोगों के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत होऊंगा, लेकिन हमारा काम कुछ अच्छी अच्छी बातें करना नहीं है, वो करना है जिसको जो इम्कानात साफ दिखाई पड़ रहे हैं उसके ऊपर रोकथाम करने का। अब रोकथाम की बात आती है, स्लीपर सेल, इनके मददगार और इनके इमदाद करने वाले कौन है? पाकिस्तान की इंटेलिजेंस बहुत उम्दा है, इनके बारे में पता रसी करें, सुराग रसी करें, इनके स्लीपर सेल को नेस्तनाबूद करें, इनकी मदद और इमदाद करने वाले जो इनके सोशल मीडिया के ऊपर नेटवर्किंग होती है, और ये सोशल मीडिया पे उतना नहीं चलते जितना कि एनक्रिप्टेड नेटवर्क पे चलते हैं। इनके अपने अपने तौर तरीके होते हैं एनक्रिप्टेड नेटवर्क में कैसे चलते हैं, कैसे इनकी कोडिंग होते हैं, इनके कस्टमाइज्ड ऐप्स होते हैं आरजू साहिबा, इनके कस्टमाइज्ड ऐप्स होते हैं जो कि और किसी के पास नहीं होंगे, सिर्फ उन्हीं के पास होंगे। तो जब तक इंटेलिजेंस और पुलिस एजेंसी उन तक पहुंचेगी इनक्रिप्टेड, उनके जो खास बिल्कुल ऐप्स होते हैं, और एक मोटी सी बात है, एक नाफादा है जिसको कुछ नहीं मालूम ऐप्स क्या है, वो सिर्फ ये करेगा कि एक ईमेल लिखेगा, उसको सेंड नहीं करेगा, लेकिन अपना पासवर्ड जो है वो मसलन से मैं उसका हमदर्द हूं तो मुझे पासवर्ड दे देगा, मैं उस पासवर्ड से ईमेल खोल करके पढ़ करके मैं डिलीट कर दूंगा। ईमेल ए से बी के पास गया नहीं, सिर्फ इतना हुआ कि उसने पासवर्ड शेयर कर लिया। तो ऐसे जो सिचुएशंस आती हैं आरजू साहिबा, उसमें सर्विलेंस मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है, और ये पहले भी हम लोगों ने किया है और हर इंटेलिजेंस एजेंसी को करती है, कैसे किसी मशकूक और किसी ऐसे इनबॉक्स तक पहुंचे, और इनबॉक्स में और जो हम स्ट्रोक्स जो दबा रहे हैं, जो हम टाइप कर रहे हैं, उसका एहसास हमें साथ ही साथ रियल टाइम हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी मेहनत मशक्कत जरूरी है लेकिन इसमें कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। सर, हर हर बार इस तरह का कोई अगर हादसा होता है पाकिस्तान में, चाहे ये इस किस्म के टेररिस्ट हों या कोई और तरह के, हमेशा यही न्यूज़ आती है कि उन्हें मार दिया गया है, जिंदा कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, कभी अरेस्ट नहीं होते कि उनसे पूछा जाए किसने भेजा, कहाँ से आए, क्यों आए। हमेशा हम इसी किस्म की न्यूज़ सुनते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि और भी कई दूसरे भी क्राइम्स हैं जिसमें के कहा जाता है कि जी वो जो है पुलिस वालों के साथ मुकाबले कर रहे थे या उनके साथ जो है उनका चल रहा था, इनकाउंटर में मार दिए जाते हैं, जो कि बहुत बार फेक इनकाउंटर भी कहा जाता है। तो आपके ख्याल से क्या ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह के लोगों को जिंदा पकड़ा जा सके? पुलिस हर बार मार क्यों देती है? आपका पूछना वाजिब है, और ये सवाल सिर्फ आपका नहीं आजू साहिबा, ये जो हमारे फौज में जनरल साहिबान है और पुलिस में डायरेक्टर जनरल होते ही पूछते हैं, भाई जिंदा दस्तयाब हो सकता था तो जिंदा पकड़ते, तो ये तो खबरों की और जानकारी की खान था। और एक दफा वही है कि अगर इनकाउंटर में मारा गया वो भी चलिए, उसके बारे में बाद बात करेंगे, लेकिन वही था सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हमने खत्म कर दी। लेकिन अगर जिंदा रहता तो इतनी जानकारी मिल सकती थी कि उसको माल असबाब देने वाले कौन थे, उसकी परवरिश कहाँ से हुई, उसका मकसद क्या था, उसकी और क्या चीज कहाँ से उसको रसद आती थी, पैसे कहाँ से आते थे, तो वो बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन जो एन मौके पर जो इनकाउंटर होता है, और शक बद अच्छा बदनाम बुरा, और ये हर जगह का यही हाल है, पुलिस वाले चाहे अमेरिका के हों, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, उनका एतबार का लेवल बड़ा थोड़ा सा 19 होता है और शहर के मुकाबले। और ये जो इनकाउंटर होते हैं, इसका जैसे एक कानून में एक तस्करा है कि इंडियन पेनल कोड जो है यहाँ का और पाकिस्तान में भी करीब वही होगा, सेक्शन 96 से सेक्शन 104, कि अपनी हिफाजत में या किसी और की हिफाजत में जान और माल की उतना कम से कम फोर्स का इस्तेमाल करें जिससे कि सामने हमलावर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ज्यादा नहीं। और उसका तकिया कलाम है, और तकिया कलाम सिर्फ यही नहीं हिंदुस्तान में, वो पाकिस्तान में भी तकिया कलाम है कि जो केस डायरी में पुलिस पार्टी लिखती है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके गिरफ्तार किया गया, दस्तयाब किया गया। हंगामाए गिरफ्तारी में मतलब देखिए कितना खूबसूरत शब्द है, मुनासिब चोट, गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब चोट। मुनासिब चोट भले ही कि 5 गोली छाती में और 1 गोली खोपड़ी में, वो मुनासिब चोट है, क्योंकि अगर ये चोट मुनासिब चोट न पहुंचाई जाती तो वो हमलावर हम पर भारी पड़ जाता और हमारा और हमारी टीम का कत्ल कर सकता था, कत्लेआम कर सकता था। तो वो केस डायरी का तकिया कलाम इस तरीके से ताना बाना हो जाता है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया। तो ये एनकाउंटर की एक संज्ञ बुनियाद होती है, उसके ऊपर दिखाया ये गया है, दिखाया गया है, हकीकत भी हो सकती है और हो सकता है फर्जी भी हो, लेकिन हर जगह ये होता है।
आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में हैदराबाद में एक एनकाउंटर हुआ, एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ। हैदराबाद पुलिस जो मुलजिमान थे उनको सीन रिकंस्ट्रक्ट करने ले गई। वहां पर जैसा कि पुलिस अफसरान का कहना था कि इन्होंने हथियार छीनने की कोशिश की और उस वक्त जो मुठभेड़ हुई तो हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके जो हमलावर थे उनको एनकाउंटर हो गया। पब्लिक ने उन पुलिस अफसरान को उनके ऊपर फूल बरसाए, मिठाइयां खिलाई, मोहल्लों में जैसे जश्न होता है ईद का वैसा हो गया था। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, इंक्वायरी कमीशन बैठी और उन्हीं पुलिस अफसर जिनके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, कत्ल का मुकदमा कायम हुआ और उन बेचारों का करियर आज जो बिल्कुल उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो ये हर पुलिस अफसर कहीं पर भी हो, होश में काम करे, जोश में ऐसा कोई काम न करे जो कि कानून की हदूद के बाहर जाने वाला हो, क्योंकि हम पुलिस अफसरों को तनख्वाह इस बात की मिलती है कि हम कानून के अंदर रहते हुए अपनी कार्रवाई अमल करें, न कि ऐसा कोई काम करें जो कि आवाम को तो बहुत माकूल लगे, अच्छी लगे, तालियां बजें, लेकिन कानून की कसौटी पे और नजरिए से वो गैर मुनासिब हो, नाजायज हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वाकई में बड़ा एक अचानक से ये हादसा हुआ था कल और लोग काफी इसको जो है पाकिस्तान में काफी परेशान है और यही डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि इस चीज को हम बढ़ता हुआ देखें, क्योंकि एक जमाने में हम देख चुके हैं कुछ साल पहले तक जो था आप जानते ही होंगे कि किस तरह से ये टैक्स चला करते थे टीटीपी के और दूसरे कई जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हैं टेरर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब देखते हैं सर किस तरह से ये इसको कंट्रोल करते हैं जो कि होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।